Sid bowled it. Didn't understand why Iftikhar or Rizwan didn't come out to bat after first wicket to increase run rate. These small things will create huge. मैं भी तो यही बोल रहा हूँ. बाबर आजम ने जो आज 50 की स्ट्राइक रेट से अटखेलियां की है यहाँ पे, आपको चाहिए था कि आप या तो आप रिजवान को भी नहीं इफ्तिखार को भेजते हैं. यार सुशांत भाई बल्लेबाज बल्लेबाजी करना थोड़ी छोड़ देगा, उसने इंटेंट तो दिखाया ना छक्का मारने का, कोशिश तो की ना. अगर बाबर यहाँ पर एलबी होके 30 यार्ड के अंदर आउट होता मैं नाराज होता. एक कोशिश तो की छक्का भाई, उसके सैट दिखाइयो बाबर आजम के, इनके लॉजिक सुन लो जरा भाइयों के. एक बार बाबर आजम की कोशिश की, एक बार बाबर आजम के सैट लगा नहीं मार. रुक जा तूने बोल लिया ना, एक सेकंड रुक जा, मैं तेरे को दिखाना चाहता हूँ. तेरे को दो तीन बार बोल चुका हूँ, सुन नहीं रहा. एक बार बाबर आजम के फिगर्स दिखाओ भाई, आज दिखाओ बाबर आजम ने क्या खेला वो दिखा दे. आज 16 बॉल 5 रन बता रहा हूँ, देख रहे ना. रुक जा ना, सबर कर लेना. अब तूने कुछ बात करी तो सबर कर ले. दिखाओ भाई बाबर आजम की इनिंग दिखा लो. दिखा दो आज की डेट में दिखाना है. या आग लगी पड़ी है फुल लिट कर रहा. दिखा दे भाई, दिखा लग रहा होगा, टाइम लग रहा होगा, निकल रहा होगा. हाँ हाँ, 9 रन्स मारे हैं 16 बॉल में. ठीक है, 16 बॉल में मैं 6 ऐड कर देता हूँ. छक्का मारने को बोल रहे हो ना, छक्का वैसे तो लगा नहीं, इसे इंटेंट दिखाई इसने. पहले तो इसने 15 बॉलों के बाद इंटेंट दिखाई, एक चौका मारा है. ठीक है, 15 बॉलों में एक चौका है. हाँ. तो मतलब कि इसकी बाकी की 14 बॉलों में 5 रन है भाई के. हाँ. कौन सी इंटेंट है भाई, भाई मैं 14 बॉलों में 5 रन है और तू बोल रहा है छक्का भी मार देता तो भी रन बॉल ही आता ना. छक्का मार देता रन बॉल आता. वही मैं कह रहा, चाहिए क्या था टीम को यार. बाबर पहले पूरी बात सुन ले, बोलने का टाइम देना, बोलने का टाइम दूंगा. फालतू के एनालिसिस मत करा कर, कंप्लीट कर. जो बात कर रहा हूँ वो सुन, उसको डिनाई करना है ढंग से डिनाई कर, बट फालतू का अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मत कर. उस बंदे ने एक चौका मारा. ठीक है, 15 बॉल में, लास्ट बॉल भी मैं हटाता हूँ जिसपे आउट हो गया. 15 बॉलों में एक चौका है. ठीक है ना, 14 बॉल में उसने बनाए हैं 5 रन. 14 बॉलों में 5 रन का मतलब क्या है, 30 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है. ठीक है, तू बोल रहा है जी बाद में जब पूरा का पूरा आउट, और पैसे तो छक्का लगा नहीं आउट हो गया, इंटेंट दिखा दिया. उससे पहले इंटेंट कहाँ थी, जब तुझे पता है कि 30 ओवर से पहले अगर तुझसे नहीं लग रही भाई, और जब तुझे देख रहा है फखर जमान मार रहा है, तू इफ्तिखार को ऊपर भेज देना, कुछ तो चेंज कर ले कप्तानी में. एडमिट करते से नहीं लग रही, कोई इंटेंट इसने नहीं दिखाया. जब छक्का मारने भी गया हाफ हार्टेड ही आउट हो गया. तो इंटेंट मेरे को सिर्फ देखनी नहीं है, मुझे यहां पे ये चाहिए था पाकिस्तान के लिए 30 ओवर में. आज इन्होंने स्ट्राइक रेट के साथ खत्म करना था मैच, नहीं कर पाया ना. तू बोल रहा है लास्ट बॉल पे इंटेंट दिखा दिया, भाई पहले की 14 बॉलों पे क्या कर रहा था, इसका जवाब दे दो. दो बाबर आजम का आप जब भी देखो, वो जैसे भी अपनी गेम पूरा कंप्लीट करने देना मुझे प्लीज. ठीक है, बाबर आजम जब भी, आज की बात नहीं है, वो जब से भी खेलते हैं बाबर आजम आकर पहले अपनी वो 12-13 बॉल्स लेते हैं. हर एक प्लेयर का अपना अलग तरीका होता है. कोई प्लेयर आते ही पहली बॉल से चार्ज करता है, कोई प्लेयर बाद में चार्ज करता है. अच्छा. हाँ, मैं 200% एडमिट कर रहा हूं ये वर्ल्ड कप में बाबर आजम का फ्लॉप शो है, फ्लॉप परफॉर्मेंस है, लेकिन आज उस बंदे ने बाद में मारने की कोशिश की जो हम अमूमन नहीं देखते हैं कि बाबर 15वीं बॉल पे भाई आगे बढ़कर चौका छक्का मारने की कोशिश कर रहा है. आज उसने उस बात की जरूरत तो समझी, कोशिश की, अगला नहीं चला तो नहीं चला. अगर उस समय पर यहां पर ये बोल्ड हो जाता, कैच आउट हो जाता भाई 38 के अंदर जिस तरह पहले हुआ है, मैं मान लेता कि हाँ यहाँ पर बाबर एक गलत कोशिश थी, गलत मूव था, पहले भेजना चाहिए था. लेकिन इसने कोशिश तो की वहां पर लगाने की. अपनी बात खुद सुनो, व्हाट आर यू सेइंग, 15वीं बॉल पे कोशिश करी, 12 बॉल लेता है भाई, गेम प्ले टाइम लेता है तो घर पे बैठना भाई, आज के जरूरत नहीं थी भाई. बल्लेबाज बल्लेबाजी करना थोड़ी छोड़ देगा अगर नहीं चल रहा. वो कप्तान है, उसको पता होना चाहिए मुझे 30 ओवर में चेस करना है, खुद नहीं मार सकता तो इफ्तिखार को भेज, दिस इज बेसिक. ट्राई भी ना, आप वहां पे 12 बॉल वेस्ट नहीं कर सकते, यही समझा रहा हूँ आपको. आज के फालतू के यार एनालिसिस, यार लक्षित सच्ची में यार फिर फालतू के एनालिसिस. फालतू बंदा ट्राई करा कब है, वही तो समझा रहा तुझे. पहली बारह बॉले वेस्ट नहीं कर सकते आप बोल रहे हो वो 12 बॉले लेता है. भाई आज की सिचुएशन नहीं थी, उसके पूरी दुनिया के सामने फ्लैश हो रहा था पाकिस्तान को 30 ओवर में 200 रन चेस करने हैं ताकि रेट रेट ऊपर आ जाए. 12 बॉल लेता है जी भाई, तू कप्तान है, इफ्तिखार को भेज दे. रोहित शर्मा नहीं भेजा था कभी कभी ऊपर किसी को पिंच हिटिंग करने के लिए, भेजना तू कप्तान है, खत्म कर तू बात को. आपने 15वीं बॉल पे जी इंटेंट दिखा दी, घंटा इंटेंट दिखा दी वहां पे, इंटेंट आउट हो गया वहां पे, और ज्यादा छक्का भी मार लेता तो भी साइड पे आता. बैटर बैटिंग करना नहीं छोड़ देता, बट ही इज द कैप्टन, उसको पता है इक्वेशन क्या है. आइदर ही नीड्स टू गो एंड शो इंटेंट फ्रॉम फर्स्ट बॉल. ये 12 बॉलों की लिबर्टी आज नहीं थी इसके पास. आज पाकिस्तान भाई तुम्हारा वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है यहाँ पे. Understand that you are not understanding that कि आज तुम्हारा World Cup is at stake. अगर आप आज भी आके पहली 12 बॉलों में टक 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 कर रहे हो तो भाई मत आओ बाहर, फिर आप भेजो इफ्तिखार को.
15वीं बॉल पे जाके दिखाऊंगा जी मैं इंटेंट। क्यों भाई तू कहा खलीफा है कि तू 15वीं बॉल पे जाके इंटेंट दिखाएगा? फकर जमान ने अपनी सेंचुरी छोड़ दी वहां पे। फकर जमान पागल है जो छक्के मार रहा है, उसका दिमाग खराब है? 7 छक्के क्यों मारे उसने आज? आज आपने इफ्तिकार रिजवान को भी ये बोल के भेजा था ना कि मारो, उनसे भी नहीं लगी, अलग बात है। लेकिन आप अगर आए हो, आपको कोई हक नहीं था आज कि आप पहले की 12 बॉले वेस्ट करो। दिस इज अबाउट योर टीम्स चांसेस इन द वर्ल्ड कप। आगे स्ट्राइक रेट आपको नेट 100 ऊपर करनी है भाई, बात खत्म हो गई। ये कोई एनालिसिस नहीं है कि बंदा अपना देखता है, बंदा अपना सोचता है, बैटर पहली बॉल है बॉल है वो लेता है। आज इनके पास कोई हक नहीं था 12 बॉले वेस्ट करने का। मैंने जैसे आपको गिनवाया 16 में से, लास्ट बॉल में हटा रहा हूं, 15 बॉलों में से एक बॉल पे चौका है, बाकी इसने 5 रन बनाए भाई, 5 रन बनाए भाई ने, 14 बॉलों में 5 रन है। 30 की स्ट्राइक रेट से भी कम है। आज कहीं से डिजर्व ही नहीं कर रहा था ये मैच। और अगर आपको इतनी बॉलें लेनी थी सेट होने के लिए, प्लीज यू शुड हैव सेंट इफ्तिकार अप, बिकॉज आप हंस रहे वहां पे, आपको देख नहीं रहा आप इक्वेशन के। या तो आप मान चुके हम बाहर हो गए, फिर अलग बात है, ठीक है, फिर हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बट अगर आप इक्वेशन को चेज ही नहीं कर रहे, आप अगर 30 ओवर में चेस करने के लिए जा ही नहीं रहे, तो घर बैठो। फिर फायदा क्या, खेलने आए क्यों हो फिर आप? वो 15 बॉले 14 बॉले मैं नहीं मानता कि आप वहां पे ले रहे हो इतना चांसेस। ऐसे सोच के बैटिंग करना थोड़ी छोड़ देगा। 30 का 31 हो गया, पर वर्ल्ड कप से बाहर थोड़ी हो गया यार, बाहर थोड़ी हो गया। अगर वहीं पे लग जाती हम कहते हैं वाह बाबा ने छक्का लगा दिया, पर बात ये इंटेंट तो दिखाया, वो गलतियां तो नहीं करके गया 15 बॉल के बाद इंटेंट दिखाया। सुशांत भाई मान लिया कि यार जल्दी हिट करना था, और आप पर बाद में आके इफ्तिकार से भी नहीं लगा पॉइंट, रिजवान से भी एक मिनट रिजवान आके वापस आके हमें रिजवान से भी नहीं लगा, आके इफ्तिकार से भी नहीं लगा। शायद पिच में कुछ हो गया हो, बाद में ना बैटिंग हो रही हो, मेहंदी हसन की बॉल को ग्रिप अच्छा मिल रहा हो, हमें नहीं पता कि वहां मैदान पर क्या हुआ। अगर इफ्तिकार इफ्तिकार रिजवान की भी रन दिखा दो, देख लेते हैं, देख लो 56 की स्ट्राइक रेट से कप्तान ने खत्म किया है, जहां पे 30 ओवर की उनको इक्वेशन पता था कि आपको 30 ओवर में खत्म करना है प्लस में रन रेट लाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। एक बार इफ्तिकार और रिजवान के भी रन दिखा दो, एक बार देख लेते हैं कितने रन बनाए भाई। देख लो, देख लेते हैं जी, देख लो, उनसे भी इजीली लग नहीं रहे थे। एंड में सभी कहता मैं वो क्यों हिट कर रहे, कर लो चेक, दिखा दो भाई। 30 की स्ट्राइक रेट है बेसिकली इसकी, अगर मैंने आपको अभी समझाया कि एक चौका हटा दो और लास्ट में आउट हो गया, बट 56 की स्ट्राइक रेट है इसकी, जहां पे आज इनको 30 ओवर में खत्म करना था। 56 की स्ट्राइक रेट दिखा दो, मैं उनके भी दिखा दो। टीम को चाहिए क्या और कप्तान कर क्या रहा है, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। अरे क्या बात, और पहले ही वहां पे जाके इफ्तिकार को भेजना चाहिए था कि भाई जाके वहां पे मार ले और खत्म कर मैच को। दिखाओ उनको भी, देख लेते हैं, वैसे ही दिखा दे यार, बनाने का ग्राफिक बनाने का मत कर, वैसे ही दिखा दे, स्ट्राइक रेट दिखा दियो बस, स्कोर कार्ड दिखा दे बस, दैट्स इट, स्कोर कार्ड दिखा, देख लेते हैं एक बार। 15 में 17 है, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको, तो टाइम लग रहा है उसमें। 15 में 17 इफ्तिकार के, ठीक है, पहले भी नहीं कह रहे थे, ठीक है। 15 में 17 दो चौके लगाए उसने, 15 बॉल 15 में 17 है, और उसके कितने रिजवान के? रिजवान के आपके हैं 21 में 26, 21 में 26 है। क्या स्ट्राइक रेट है दोनों की? 100 से ऊपर है, एक की 123 है, एक इस आदमी की क्या स्ट्राइक रेट है? 56 है, बात खत्म हो गई। और अगर वहां छक्का लग जाता यार, चौके आप गिन रहे हो ना, एक पागल है, एक सेकंड, इस बंदे का दिमाग खराब है। लग जाता तो नहीं होता क्रिकेट में भाई, एक सेकंड, लग जाता तो नहीं होता अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत जाता, आपने ये नहीं होता। आपने भी 16 बॉल, बात ये है आपने किया क्या है, आपने 56 की स्ट्राइक रेट से खेला है, आपने अभी 16 बॉल में टीम में किसी ने भी 100 की स्ट्राइक रेट से कम खेला है? आपने अभी 16 बॉल में, एक सेकंड आप और कंप्लीट कर, फिर मैं आ जाऊंगा। आपने 16 बॉल में 9 गिना है, यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ, प्लीज स्टॉप, चलो आई विल नॉट अलाउ यू नाउ बिकॉज़ दिस इज रिडिकुलस, छोड़ो फिर। वन गाय हैज मेड 56 की स्ट्राइक रेट, अगर छक्का लग जाता तो, अगर लग जाए 15 बॉल के बाद, और सारी टीम जहां पे 100 की स्ट्राइक रेट से ऊपर खेल रही है, एक ही आदमी है जिसकी 50 की स्ट्राइक रेट है, एक आदमी है, इंटेंट दिखा दिया, कौन सा इंटेंट है ये? चलो खत्म करो फिर, मिट्टी का इंटेंट है ये, आगे बढ़ो, जबरदस्ती के अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो, फालतू बोले जा रहे हो यार, छक्का लग जाता तो, ये कभी होता है, एनालिसिस में होता है छक्का लग जाता तो? अरे इंटेंट नहीं, विराट कोहली 0 पे आउट हुआ है 100 बना देता तो, इंटेंट दिखाया, कौन सा इंटेंट दिखाया बॉस 15 बॉलों के बाद लगाने की? भाई अपने घर पे बैठ जाए ऐसे इंटेंट लेके, 15 बॉल के बाद जो छक्का मार रहा है ये, और ये इंटेंट नहीं होता, ये डेस्परेशन में आउट हुआ है, जो पहले ऐसे टुक टुक करा ना उसकी वजह से ये आउट हुआ एंड में जाके, कि इंटेंट दिखाया, ये इंटेंट नहीं होता। ये होता है कि मैं 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा हूं, बाकी कम से कम 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे, आज भी मेरी मरी हुई बैटिंग हो रही है तो मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं, वहां पे आउट हो गया। ऐसा नहीं होता कि छक्का लगा दिया तो, छक्का लग जाता तो, ऐसे थोड़ी ना एनालिसिस होता है यार, जो उसने किया तुम्हारे सामने है, फैक्ट है ये। 56 की स्ट्राइक रेट से कौन खेलेगा आज के मैच में, जब तुम्हारी टीम को चाहिए कि 30 ओवर में खत्म करो तो खत्म करो ना यार, 56 की स्ट्राइक रेट से तुम खेल रहे हो। अब पूरा स्कोर कार्ड दिखा दे रॉबिन यार, शफीक ने मारा ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट,
फकर जमान 109 की स्ट्राइक रेट, रिजवान 123 की स्ट्राइक रेट, इफ्तिकार अहमद 113 की स्ट्राइक रेट। इस पूरे चार्ट में सिर्फ एक ही आदमी है जो 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, क्यों? और उसमें पर्दे डाल रहे हो भाई, छक्का लग जाता तो इंटेंट दिखा दिया तो। अबे यार तेरे सामने है किसने क्या किया, नंबर्स नेवर लाए, नंबर्स नेवर लाए। और इस आदमी ने पूरा टूर्नामेंट ऐसे खेला भाई, तो मैंने भी 2 मिनट बोला कि मैं 200% मानता हूँ ये पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहा। आज के मैच में अगर इसकी ये करने के बावजूद भी अगर ऐसे आउट होता 30 यार्ड में या फिर LBW देखे, कोई इंटेंट नहीं था। 50 की सेकंड से खेल रहा, कोई इंटेंट नहीं था, कोई एक पैसे का इंटेंट नहीं था। ये लप्पा मारते हुए आउट हो गया तो उसका ये मतलब नहीं कि इंटेंट दिखा दिया, कोई इंटेंट नहीं था, बेफालतू की बात है, कोई इंटेंट। 50 यार 16 बॉले वो खेल गया, यही 16 बॉले कम होती अगर कोई और आ गया होता, यही 16 बॉल हटा लो, ये इनका साइकिल ऊपर हो गया होता, प्लस में आ जाता। मरवाया तो असली बाबर आजम भाई, सब सारा सेट करके गए हैं। शफीक ने मार दिया तेरे 2 छक्के 9 चौके, 7 छक्के वो मार गया, 3 चौके वो मार गया, नीचे आके 4 चौके 2 चौके मार गया। आप आके 16 बॉल खेल के 9 रन बना रहे हो और 1 चौका आपने मारा है, क्या बैटिंग करी है आपने यार? आप बोल रहे हो इंटेंट, कौन सा इंटेंट है ये? कहां का इंटेंट है? कद्दू इंटेंट है? हट, कोई इंटेंट नहीं है ये। ये हर मैच में ये कर रहा है। आज इसको करना चाहिए था भाई, अपनी देखो आपको अपनी एबिलिटी पता होती, अगर आपको पता है कि मैंने वहां पे जाके बॉले वेस्ट करनी है, आप प्लीज बैटिंग में इफ्तिकार अहमद को भी, दिस इज बेसिक, एवरी कैप्टन नोज दिस। रोहित शर्मा को पता है भाई मैं खुद छक्के मार सकता हूं तो वो किसी को क्यों भेजेगा, वो खुद आता है ना। उसको पता है इनिंग स्टेबलाइज करनी हो या इनिंग में तेज खेलना हो, किसी दिन डेड रबर मैच हो, वो ऊपर एलिवेट कर देगा सूर्या को। अगर और ज्यादा जल्दी खेलना हो किसी को भेज देगा ऊपर भाई, सूर्या जा बना रन। ये तो बेसिक है भाई, आप आ भी गए, आपको पता था कि भाई आज सब कुछ सेट हो गया, आपने बॉले भी वेस्ट कर ली। चलो मैं कहता हूं आप सेट हो गए, आपने सेट होने के लिए आपको भैया बाबर जी को बॉले चाहिए होती, आपने 2 ओवर ले भी लिए भाई, उसके बाद रन मारो। आपने यहां पे जो 16 बॉलों का कचुंबर बनाया है ना, इसकी वजह से आपकी टीम की नेट रन रेट आज पॉजिटिव में होने से बच गई। खैर एनीवे थोड़ी सी नॉर्मल चैट भी ले लेते हैं और आगे चल लेते हैं। जी बाबर और पाकिस्तानियों पर लड़ रहे हो? नहीं कोई लड़ नहीं रहे, बात कर रहे थे और बात हो रही थी मैच के प्लेयर के मोमेंट पर, बाबर पर नहीं लड़ रहे यहाँ पर जी, मैच के मोमेंट पर एक बार जी। और भी सारी है जी, प्रीतिश बोल रहे हैं हाँ इनफ भाई इनफ, मैंने कर दिया कोई बात नहीं, सुपर चैट आइए रखो की कर लो भाई, सब चेक कर लो A to Z, मैं बैठा हूँ करो चेक। बाकी बुमराह शमी से मैंने कंपेयर किया नहीं, तो वो तो आप फालतू की बात है, फालतू की बात है, उसने 2 मैच खेले 9 विकेट। ये अपना शाहीन को अलग से प्रूव कर रहा है, ये अभी तक वो शाहीन उससे बाहर नहीं आ गया डिबेट से। स्पेस का टाइमिंग पूछ रहे सुशांत भाई, काफी लोग सुशील पूछ रहे हैं स्पेस की टाइमिंग करते हैं 10:30 बजे, 10:30 बजे कर लेते हैं, 10:30 ठीक रहेगा, आधा घंटा खाना खा लेते हैं जी। विमल नेगी बोल रहे हैं लव स्पोर्ट्स यारी टीम, भाई मैं उत्तराखंड से हूँ, अभी दुबई में हूँ, बट विराट जैसा कोई नहीं है, किंग ऑलवेज किंग, इसलिए सबकी फट रही। ये फट रही कैसी लैंग्वेज है जी, आगे जा रही है, फटनी क्यों है, बेस्ट बंदा है वो, बट मजा पता क्या इस बार ना, मैं चाहता हूँ सेमीफाइनल हो, इंडिया चेस कर रही है, जितना भी टारगेट है, रोहित का 100, विराट का 100, पहली पारी में बुमराह का 5 ओवर, ये जो दुनिया कहती है ना भाई नॉकआउट में रोहित नहीं चला, नॉकआउट में विराट नहीं चला, दोनों ही चले यार। जो लोग ये डिबेट करवाते हैं उन डिबेट को पहले शांत करो आप, कि नॉकआउट में दोनों चले। ये लक्षित भाई पंजाबी में है तो ये आप ही ढंग से पढ़ पाओगे मुझे लग रहा है। राजवंश गिल, रॉबिन जरा ग्रुप में भेज दिया मेरे स्पेक्स बड़े गंदे, हाँ आ गया। राजवंश कह रहे सुशांत वीरे तुम नेक्स्ट ईयर US आना, तो नाल कनेडा का वीजा भी लगवा लो, आई वॉन्ट यू टू विजिट वैनकूवर कैलगरी। बैंफ कौन सी जगह यार? जैस्पर मोस्ट अनरेटेड ब्यूटीफुल, बिल्कुल कोशिश करेंगे राजवंश भाई, अगर आ सके तो 100% कनाडा का भी, बिकॉज वहाँ पे अगर काम होगा US में तो बड़ा मुश्किल होगा ट्रैवल करना, सो इट विल बी डिफिकल्ट, बट वी विल ट्राई कि हो पाए US और कनाडा दोनों हो पाए जी। पवन आए हैं जी, दिखा दीजिए, देखा देख लो, दिखाना बढ़िया कि नहीं चेक कर लो एक बार, दिखा दो सुपर चैट दिखा दो, वो देख लेते हैं, देख लो, दिखाओ जी दिखाओ, दिखा दो भाई। हाँ भाई बहस नहीं कर रहे, एक पॉइंट था बस उसके ऊपर बात कर रहे थे सारे, लेकिन तुम बहस क्यों कर रहे हो पाकिस्तान को लेकर यार, एक पॉइंट। पवन की सुपर चैट दिखा दो, बोल रहे दिस इज एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल सुशांत, यू कांट इंटिमिडेट अ जूनियर टू दिस एक्सटेंट ऑन लाइव प्लेटफॉर्म, यू कैन डिसएग्री बट दिस एटीट्यूड इजंट फेयर। भाई हम 24 घंटे लाइव होते हैं, दिमाग का दही हो चुका होता है, समझ रहे हो आप? एंड अगर प्लेटफॉर्म पर बैठ के कोई ऐसी बात जा रही है जो कि बिल्कुल मेरे को लग रही है कि जस्टिफाई कर ही नहीं सकता कोई, तो वो तो उस पर तो मैं आई विल पुट माई फुट डाउन। एंड ही ऑल्सो हैज दिस हैबिट ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग दी अदर पर्सन पर्सपेक्टिव, इसने कुछ बोल दिया तो उसको बस हील के जस्ट की फाइटिंग, ही विल नेवर अंडरस्टैंड, ये है वो है घुमा फिरा के उस पर आता ही रहेगा, लॉट ऑफ टाइम आई हैव टोल्ड हिम, बट यहाँ पे जो होता है आपके सामने भाई 10-10, 12-12 घंटे लाइव बैठे होते हैं, कोई किसी से कोई पर्दा नहीं है और कोई सीनियर जूनियर नहीं है, यहाँ पे हम सारे खुल के बात करते हैं ना, ऑब्वियसली
मेरी उम्र ज्यादा है, ऑब्वियसली चैनल भी है, सब कुछ है, पर सबको आजादी है सब कुछ बोलने की, राइट? बट सम थिंग्स हैव टू बी लर्न द हार्ड वे बिकॉज आई एम वेरी सॉफ्ट ऑन एवरी वन एंड दे ऑल्सो हैव टू लर्न की एनालिसिस मैं नहीं बैठा हुआ, तो आपको एनालिसिस थोड़ी सी पॉइंट ऐसा रखना है कि भाई कोई समझ में भी आए बात, राइट? अब एक बंदे की एवरेज स्ट्राइक रेट चल रही है 50 की और आप बोल रहे हो इंटेंट से खेल रहा था, डजंट मेक सेंस ना. सो एंड वी आर डिसाइडिंग एंड वी आर डिस्कसिंग वंस आई हैव टोल्ड हिम सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो इफ यू स्टार्ट डिफेंडिंग योर पॉइंट्स देन एनालिसिस खराब हो जाती है, राइट? एंड जैसा बोल रहे हो बिल्कुल मैं थोड़ा सा गुस्सा कर दिया, मेरी टोन ये हो जाती है वो हो जाती है और लाइव में चलता है, लेकिन कोई पर्दा है ही नहीं इधर आप लोग से. 12-12, 14-14, 15-15 घंटे जो चैनल लाइव रहेगा हम नाटक नहीं कर सकते भाई, दिल के इमोशन जो वो सामने आएंगे आएंगे जिस तरीके से बात होती है, उसके भी मेरे भी इसके भी सबके आते हैं, तो उसमें कोई हमने पर्दा नहीं रखा, या मैं इसको बोल भी दूंगा कुछ तो फिर हम 2 मिनट के बाद भूल जाएंगे, हम काम अपने कामों में लग जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को पर्सनली कोई ले ले, बट स्पेसिफिकली फॉर हिम बिकॉज ही इज अ गुड एनालिस्ट आई वॉन्ट टू ड्राइव दिस इन टू हिज ब्रेन कि वंस यू गेट स्टक ऑन अ टॉपिक इफ यू आर नॉट मेकिंग सेंस यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू रियलाइज इट बिकॉज नोबडी विल रिस्पेक्ट यू. उसके बाद सी पीपल कम हियर टू सी एनालिसिस एंड पीपल कम हियर टू सी प्रैक्टिकल एनालिसिस विच मेक सेंस. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज इन योर फेस दैट मैन हैज वेस्टेड सो मेनी बॉल्स एंड ही इज प्लेइंग एट 56 की स्ट्राइक रेट, हाउ कैन यू से ही इज प्लेइंग विद इंटेंट? एनीबडी हु सेज दैट इन द वर्ल्ड आई होल इनिंग आखिरी उस बॉल पे इंटेंट था, व्हाटएवर आखिरी बॉल पे इंटेंट था, लक्ष्य तो आखिरी बॉल का मैंने अचार डाला है बाबा, वो वैसे भी आउट हो गया ना, आखिरी बॉल का मतलब ही नहीं बचा ना, जब आपने पहली 15 बॉलें वेस्ट कर दी तो आखिरी बॉल का इंटेंट ही नहीं बचा. और आप गेम सिचुएशन देखो कि आपकी आपको आपका टारगेट क्या था, ठीक है, टारगेट था 30 ओवर में खत्म करना, आप पहली 15 बॉल वेस्ट करके बैठे हुए, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू हिम. अब वो भी नहीं सुन रहा, मैं भी बोली जा रहा हूं और वो बहुत ज्यादा आगे मामला चला जाता है, बट एटलीस्ट ये जरूर है कि आपने जो बोला मेरे को पता है मेरी टोन ऐसी है और खराब भी है, नहीं भी करना चाहिए, आपकी भी बात सही है, कोशिश करेंगे भाई. लेकिन भाई जब 15-15 घंटे लाइव चल रहा हो ना चैनल, तो फिर कोई पर्दा नहीं रह जाता, सामने ही है सबकी पर्सनैलिटी, मेरी यही पर्सनैलिटी है, उसकी भी यही है, इसकी भी यही है, नितिन की भी यही है, पीछे रॉबिन की भी वही है, तो आपसे कभी झूठ नहीं बोला. हाँ आपको गुस्सा जरूर आ सकता है, बट यू अंडरस्टैंड माई फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो विद इट, राइट? You have to understand my frustration also. Sit. Because I want these guys to be the number one in the industry, with or without me sitting over here. That is the only goal for them. Okay? Sid बोल रहे हैं अगर ऐसी बात है तो जब situation आता है दूसरे team hitters को जरूरत के time पर आगे नहीं भेजते. And sorry भाई कोई intent नहीं था. आप देखो कितने defensive shots खेले हैं उसने. ठीक है भाई अब ये बात मैं ऑल ओवर इनिंग नहीं कह रहा था, जस्ट टू बी वेरी क्लियर टू एवरीवन, मैं आखिरी बॉल का कह रहा था, उसने आखिरी बॉल पे कोशिश तो की एटलीस्ट भाई, आखिरी बॉल पे फर्क नहीं पड़ता ना यार. हां ठीक है, नहीं 15 बॉल पहले ही वेस्ट कर चुका है यार. बात ये थी कि इफ्तिकार को बॉल से लक्ष्य तो मेरी बात ध्यान से मैं समझ गया, मैं आपका पॉइंट मान गया, पहले 15 मेरी बात सुन लो फिर शुरू नहीं होंगे उस पे, मैं आपका पॉइंट मान गया, मैं मान गया, समझ गया आपका पॉइंट, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, मैं समझ गया, मैं बता रहा हूँ कि मैं आखिरी बॉल को कह रहा हूँ, पहली 15 बॉलों को नहीं कह रहा, समझ गया मैं, जिनको लग रहा आखिरी बॉल पे उसने, और आखिरी बॉल जो तू इंटेंट बोल रहा है ना, उसने क्योंकि पहली 15 बॉलें वेस्ट कर दी, वो डेस्परेशन में आउट हुआ है, मैं समझ गया वो इंटेंट क्या दिखा रहा है, पहली 15 बॉल दिखाना भाई, तू पहली 15 बॉल में हिट लगाना जब पूरी की पूरी टीम 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रही है, क्या जरूरत है कि कप्तान जो है 56 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, नॉट डन यार, 30 ओवर में खत्म करना था मैच, आज दिखा दो सुपर चैट, दिखा दो सिंगुलैरिटी का एक और ग्रुप में भी एक है वो भी देख लेते हैं, ग्रुप में कह रहे हैं बिना वैसे मैं रह नहीं सकता, कभी ना कभी हो ही जाता है. सैंडी कह रहे हैं व्हाट डू यू डू अबाउट, व्हाट डू वी डू अबाउट श्रेयस, सूर्य शुड प्ले, सूर्य का के शान भी है, दो ऑप्शन है आपके पास, शान ने काफी नेट्स पे काफी प्रैक्टिस करी यार, नेक्स्ट मैच शायद खेले 2 नवंबर को जो होने वाला है इंडिया वर्सेस श्रीलंका वानखेड़े के मैदान पे. सिंगुलैरिटी कह रहे हैं कि दिस इज व्हाई वी लव स्पोर्ट्स यारी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, नो पॉलिटिकल करेक्टनेस गिविंग अस व्हाट यू थिंक व्हेदर वी लाइक इट और नॉट. जय श्री राम. थैंक यू ब्रदर. राजवंश गिल बोल रहे हैं लक्ष्य चेक करो गूगल ते क्या